हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। पिछले टाइम पे मैंने आप लोगों को एंड ऑन पोजीशन, ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बताए थे, राइट? आज हम लोग कुछ नया देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो हम लोग के सामने है, दैट इज ड्राइव द रिलेशन फॉर द फोर्स एंड टॉर्क विच इज एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल वेन इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेन दिस टॉर्क विल बी मैक्सिमम एंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला ऑफ टॉर्क डिफाइन डायपोल मूवमेंट। हमारे दिमाग का हो गया दही, हमको कुछ नहीं आया समझ में। सही बोल रहा हूं ना? गोली मारो, क्वेश्चन क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले कुछ जनरल बातें हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? जनरल बातें, जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, इलेवेंथ की बातें हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आज बता रहा हूं, आज के बाद नहीं बताऊंगा कभी। क्लियर? समझ में आ रही? मैंने आपको बोला था इस चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते मैं इलेवेंथ के काफी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूंगा, इसीलिए इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। समझ में आ रही है बात? तो जो कमी है फटाफट दूर कर लेना, सुन लो। अब यहां पर ज्यादा डिटेल में बताने का टाइम नहीं है, तो जितना बता रहा हूं उतना लीन लो, समझ गए? इलेवेंथ वाले पार्ट में आप लोग इसे लिख भी लेना, सुन लो पहले। जिन लोगों ने इलेवेंथ पढ़ी है वो लोग इस बात को बखूबी जानते हैं। जैसे ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। क्लियर? कभी भी इसे इनटू मत बोलना। कुछ लोग इसे ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर बोलते हैं, नेवर से इनटू। इट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। और इस प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? स्केलर प्रोडक्ट। दूसरा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा। क्लियर? इसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ये बिल्कुल लाइन गोंद के बी जाना आप लोग, समझ में आ रही है बात? मैं जब भी बोलूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, आप बोलना है ए बी कॉस थीटा। क्लियर? और ये मैं पूछूं कैसा प्रोडक्ट है तो आप बोलना है स्केलर प्रोडक्ट है। मैं पूछूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होता है तो आप लोग बोलना ए बी साइन थीटा। क्लियर? और कैसा प्रोडक्ट है? वेक्टर प्रोडक्ट है। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ध्यान से सुने सब लोग, और बहुत ध्यान से सुने। इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अलग अलग डेरिवेशंस कराऊंगा पूरे ट्वेल्थ की फिजिक्स में, काफी जगह ये आएगा। जैसे मैं नमूना देता हूं आपको, किसी जगह ये आ गया टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब किसी ने बोला कि भैया इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखो। कौन सी फॉर्म में लिखो बेटा? वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। मुझे दिख रहा है पीई साइन थीटा, यानी ये वाला डिजाइन है। बोलो ये वाला डिजाइन है। तो जब मैं ए बी साइन थीटा को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकता हूं, तो मैं पीई साइन थीटा को क्या लिखूंगा बेटा? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। समझ गए ना? ये वाला फॉर्मूला लग गया। समझ में आई बात? क्लियर? अच्छा, ये कैसा प्रोडक्ट है? वेक्टर प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये जो क्वांटिटी मुझे मिल रही है ये वेक्टर प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई करने से ये जो क्वांटिटी मिल रही है मुझे वो वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर एरो आएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? बोलो भैया। और भी एग्जाम्पल देता हूं, और देखो। ये तो अव्याली आएगा दो मिनट बाद, अव्याली इसी क्वेश्चन में ये प्रूव कराऊंगा आपको। जैसे आप एक दो दिन बाद और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा हमारे सामने फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है, प्रूव करेंगे हम लोग बाकायदा इसे, ठीक है? अब किसी ने बोला कि भैया इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखो, वेक्टर फॉर्म में। तो देखो भैया, मुझे दिख रहा है ई ए कॉस थीटा। ये वाला डिजाइन है, ये वाला डिजाइन। बोलो सही बोल रहा हूं? जब मैं ए बी कॉस थीटा को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूं, तो मैं ई ए कॉस थीटा को क्या लिखूंगा बेटा? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है भैया, लिख दिया वेक्टर फॉर्म में। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको मल्टीप्लाई करने से ये जो फाई मिल रहा है मुझे, ये जो क्वांटिटी मुझे मिल रही है, वो कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर होगी या वेक्टर होगी? स्केलर होगी। और स्केलर होगी तो फिर इसके ऊपर एरो लगाऊं कि नहीं लगाऊं, आप बताओ? स्केलर क्वांटिटी के ऊपर एरो क्यों लगाऊंगा? स्नेहा शर्मा जी इलेवेंथ नहीं पढ़ी है ना? तो स्केलर प्रोडक्ट से अगर हमें ये मिल रहा है तो स्केलर क्वांटिटी हुई है, स्केलर क्वांटिटी के ऊपर एरो नहीं आता है। क्लियर? एरो केवल वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर ही आता है।
भाषा समझ में आ रही है मेरी, क्लियर है? जैसे झांकी होती है, झांकी नौ देवी की झांकी और गणेश चतुर्थी की झांकियां, कोहुए कृष्ण भगवान बनाना हो तो बाकी चांद पे मोर पंख लगा दे, सही बोल रहा हूँ, सुबह कृष्ण भगवान नजर आने लगते हैं, बोलो होता है कि नहीं होता? कोहुए भोले बाबा दिखाना है तो भाई के गले में सांप डाल दे, ये पहचान है, इंडिकेशन है। इसी तरीके से किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर एरो लगा है तो इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है, एरो नहीं लगा तो मींस स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ रही है मेरी बात? ओके, तो यहां पर इसके ऊपर एरो लगेगा कि नहीं लगेगा आप बताओ? नहीं लगेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है। यहां पर क्यों लगा एरो इसके ऊपर? क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट होता है। भाषा समझ में आई आप लोगों को मेरी, किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है इसको? क्लियर है? ये मैंने आपको इस्तेमाल करना सिखाया, बाकी का आप इन दोनों फॉर्मूलास को नोट कर लो, क्लियर? ये मैं रोज रोज नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है ना? तो फटाफट इसे अपने 11th वाले पार्ट में नोट कर लो फुर्ती में। अभी एक और फॉर्मूला लिखे, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ये भी 11th का ही एक फॉर्मूला है, काम आएगा आपको, तो सभी लोग इसको नोट डाउन कर लें अपने 11th वाले पार्ट में। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, टाउ बराबर एफ आर। उम्मीद करता हूं याद रखना है ये फॉर्मूला, ये काम आएगा आपको अभी दो मिनट बाद। लिसन एवरीवन, अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों के सामने है, ठीक है? उस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें काफी सारी चीजों का पता होना बहुत जरूरी है, तो हम सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है? चलो आ जाओ इधर, एक बात बताओ और ये याद रखना, ये पूरी फिजिक्स में बार बार लगेगा। चैप्टर वन में मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और उसकी प्रॉपर्टीज बताई थी, याद है? उसमें मैंने बताया था एक प्रॉपर्टी, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर। बोलो भैया, बताया था कि नहीं बताया था? है ना? तो ये जो मैंने पिक्चर बनाई है, ये क्या है? ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है? बोलो भैया, है ना? इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर। मैं सब बता चुका हूं पहले, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। सीन क्लियर है सभी को? इलेक्ट्रिक डायपोल आप सब लोग जानते ही हो बढ़िया तरीके से। अच्छा, ये डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू Q इंटू टू L, यही कहना चाहते हो आप लोग मुझसे? बोलो भैया, ये जितनी भी चीजें बोल रहा हूं ना, सब अगले डेरिवेशन में यूज हो जाएंगी, इसलिए ध्यान से देख लेना, ठीक है? आगे बढ़ता हूं, अब जो बात बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं जब पूछता था आपसे कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो वहां पर कैसे निकालते थे किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? तो वहां पर आप एक पॉजिटिव चार्ज मानते थे, और वो पॉजिटिव चार्ज पे जिस तरफ फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। बोलो, ध्यान से चिंतन करो, पॉजिटिव चार्ज पे जालंग फोर्स लगेगा तो जाको मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जयलंग होगी, यानी पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, यस और नो? जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ऐसी है, तो यहां पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा होगा तो इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, बोलो भैया। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये बात बिल्कुल आप घोट के भी जाए इस बात को, ठीक है? और फोर्स लगता कितना है ये भी बता दूं, आपने पढ़ा था इसी चैप्टर में, ई बराबर फेंकू एफ अपॉन क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ बराबर फेंके। बोलो, अभी दो मिनट पहले यूज हुआ था पिछली क्लास में ये। बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ ना? एफ बराबर फेंके, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, कितना? QE। और माइनस क्यू चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, कितना? QE। ये बात जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रही है? ये पिक्चर आप लोग बनाना चाहें तो बना लें अपने नोट्सों में कहीं भी, क्लियर? मैं बार बार इस चीज को यूज करूंगा, मैं बार बार बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए तो फोर्स किस तरफ लगेगा? तो आप बोलना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैं पूछूंगा कितना लगेगा तो फेंकें, एफ बराबर क्यू। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, लगता है इतना ही है, एफ बराबर क्यू। क्लियर है? फटाफट इसे अपने नोट्स में मेंशन कर लो, बताना जरा जी, देख रहे हो जो कहा है? हाड़ है, क्लियर? हड्डी है, हड्डी, क्लियर?
कुत्ता जा हड्डी है खेच रहे हो जालंग 5 न्यूटन ते, और बिल्ली जालंग खेच रही है जा हड्डी है 5 न्यूटन ते, मुझे बता सकते हो नेट फोर्स कितना है? जीरो, क्योंकि दोनों ही फोर्स के मैग्निट्यूड, मैग्निट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, नंबर्स वैल्यू, तो दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, सो दे विल कैंसल आउट ईच अदर। तो अगर कोई यहां पर पूछे नेट फोर्स कितना है तो आप बोलेंगे जीरो, नेट फोर्स हो गया जीरो। लेकिन ये दोनों फोर्सेस मिलकर एक कपल बना रहे हैं। 11th में पढ़ाया जाता है कपल क्या होता है। कपल दो फोर्सेस का पेयर होता है जिनकी वैल्यू सेम होती है और डायरेक्शन अपोजिट होती है, राइट। और ये कपल क्या करेगा, जब एक फोर्स ऐसे लगेगा एक फोर्स ऐसे लगेगा तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया, लेकिन ये जो हाड़ है जो हड्डी है वो घूमन लगेगी। जब एक फोर्स ऐसे लगेगा एक फोर्स ऐसे लगेगा तो ये हड्डी कैसे घूमेगी, न्यो घूमेगी कि न्यो घूमेगी, बताओ कैसे घूमेगी, न्यो घूमेगी। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये बात समझ में आ रही है जो बोल रहा हूं, सीन क्लियर है। और कोई भी चीज जब घूमती है बेटा, घूमती है तो उस पर टॉर्क लगता है, कोई भी चीज जब घूमती है तो उस पर टॉर्क लगता है, क्लियर, समझ में आ रही बात, फोर्स और समझ गए ना। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप पावर लगाएं और पावर लगाने की वजह से वो ऑब्जेक्ट घूमने लगे तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट पे टॉर्क अप्लाई हो रहा है, समझ में आ रही है बात, क्लियर। किसी भी जगह टॉर्क वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है तो ये इस्तेमाल ही तब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट घूमता है। यहां पर ये चीज घूम रही है तो इसका मतलब इस पे टॉर्क लग रहा है, क्लियर। और टॉर्क का फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। इतनी बात समझ में आई आपको, क्लियर है, आगे बढ़ता हूं। अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे की बात करता हूं, ध्यान से सोच समझ के जवाब देना। ये एक कागज का टुकड़ा है, ये एक कागज का टुकड़ा है, मुझे इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे नापूंगा बताओ, हाथ के इशारे से आप लोग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी वाली होगी। हाँ, तो ज्यादातर लोग मुझे जवाब दे रहे हैं ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, क्योंकि इस कागज से ये 90 डिग्री का एंगल बनना है और इस कागज से भी ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इन दोनों कागजों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात, क्लियर। अब मैं थोड़ा अंदाज बदल रहा हूं, सोच समझ के जवाब देना, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, ठीक है। अब बताओ, अभी तो कागज बढ़िया अच्छी कंडीशन में धरे थे, अब एक कागज यहां धरो है और एक कागज यहां धरो है, अब मुझे इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, क्लियर। एक कागज ये धरो, दिख रहा है कि नहीं कागज, एक कागज जीरो और एक कागज जीरो, मुझे इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। अब कैसे निकालू, तो नहीं ऐसे निकालूंगा तो फिर ये परपेंडिकुलर कहां रही, क्योंकि इससे ये परपेंडिकुलर है का, इससे ये परपेंडिकुलर है क्या, ये परपेंडिकुलर थोड़ी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो ये तरीका तो फेल है, ये नहीं होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या किया, इसे थोड़ा सा पीछे बढ़ा दिया और यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। अब बताओ जहां मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जे वारी होगी कि जे वारी होगी, कौन सी वारी होगी बताओ, कौन सी वारी होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जे वारी होगी कि जे वारी होगी, हाँ ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों होगी, क्योंकि देखो इस पेपर से भी ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है ये डिस्टेंस, और ये पेपर ऐसे रखा है तो इससे कहीं ना कहीं 90 डिग्री का ही तो एंगल बनना है इस डिस्टेंस का। समझ में आ रही है बात, है ना, क्लियर, बात समझ में आई। अब थोड़ा सा और बताना, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे इस पर। बताओ जरा मुझे, एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है एक ऑब्जेक्ट ऐसे, मुझे इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, बताओ कैसे निकालूं। हाँ, या तो मैं इसे थोड़ा सा पीछे बढ़ा दूं यहां पर और यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, या फिर ऐसे नहीं करना तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, इसको पीछे बढ़ा दो और यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, बात एक ही है, चाहे जैसे कर लो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कौन सा वाला है बताना जरा हाथ के इशारे से, नहीं क्या कर रही हो तनु, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इससे परपेंडिकुलर लाइन कैसे आएगी, तो फिर ये होगी कि नहीं परपेंडिकुलर, इसके ये वाली डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बुद्धि लगाओ जरा, इसीलिए बता रहा हूं, समझ में आई बात, तनु से करवा आप ही से कह रहा हूं, बताओ जरा, एक ऐसे है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो बताओ कैसे होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच का,
हाँ तो इसको पीछे बढ़ा दिया, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। समझ में आई बात? सीन क्लियर है? आगे बढ़ता हूं। अगर ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है तो फिर अगली बात पे आता हूं। अगली बात मुझे ये बताओ बेटा, ये मैंने आपको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पढ़ाई थी तब भी बताई थी, बताओ जरा। सपोज करिए ये ए है और ये थीटा है, तो ये कितना होता है? मैंने बता दिया था, लिखाया भी था, मैं रोज रोज नहीं बताऊंगा। तो मैंने उस टाइम पे बताया था बीच वाली लाइन जिस लाइन के साथ एंगल बनाती है वो वाली लाइन कॉस हो जाती है। तो ये ए है, ये थीटा है, तो इसे ए कॉस थीटा, और बची कुची लाइन साइन हो जाती है तो इसे ए साइन थीटा। जो बोला आपको समझ में आया? बोलो। अगर ये ए की बजाय यहां 2l होता, 2l, तो इसे क्या लिखता? 2l कॉस थीटा। इसे क्या लिखता? 2l साइन थीटा। जो बोला पल्ले पढ़ा आपको कि नहीं पढ़ा? पढ़ गया पल्ले? बोलो भैया, सुनते जाना देखते जाना ध्यान से। ये लाइन इसके पैरेलल है, अब अगर ये 2l साइन थीटा है तो ये भी 2l साइन थीटा ही होगा भैया, बोलो सही बोला। और ये 2l cos थीटा है तो इसके पैरेलल ये है तो ये भी 2l cos थीटा ही होगा। सीन समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ यार, थोड़ी देर बाद में आपके सामने जब ऐसे कोई लाइन खींची होगी और ये 2l लिखा होगा और ये थीटा लिखा होगा, समझना मेरी बात को ध्यान से, ये यही वाला नजारा हो गया, 2l जे हो गई और थीटा जे हो गई, तो मैं जाए अगर 2l cos थीटा लिखेंगे तो बुरा लगेगा तुम्हें, बोलो भैया। और जाए अगर मैं 2l sin थीटा लिखेंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा, हवाल लिखेंगे मैं इसलिए बोल रहा हूं। समझ में आई? आई कैसे है? बोलो भैया, सीन क्लियर है? अच्छी बात है। मेरी अगली बात, साइन जीरो डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन जीरो कितना होता है? जीरो। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2 है, साइन 45 डिग्री 1/√2। क्लियर है? समझ में आती है बात सभी को? क्लियर है ना? तो सुनो, अलग अलग एंगल पर साइन की वैल्यू अलग अलग होती है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो अलग अलग एंगल पर वैल्यूज अलग अलग होती है। क्लियर है? साइन जीरो डिग्री जीरो, साइन 30 डिग्री 1/2। साइन के बगल से थीटा की वैल्यू कितनी भी रख लेना, 0, 30, 45, 60, 90, 50, 500, 1,00,000, 2,00,000 कुछ भी रख लेना, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। क्लियर? 1 से बड़ी वैल्यू नहीं होती कभी भी साइन थीटा की। आप लोगों ने 11th में मैथमेटिक्स में डोमेन रेंज पढ़े होंगे, अगर लच्छिन से पढ़ाई करी होगी तो डोमेन रेंज पर, अब मैं कहाँ कहूँ तुमसे, मैं कुछ ना कह रहा हूँ, सॉरी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ कमीनो। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। क्लियर? क्लियर? ओके, लिख फिर से बोल रहा हूँ, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो क्वेश्चन गया तेल लेने, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कहानी में क्या ट्विस्ट है, ठीक है? तो गौर से देखिएगा आप लोग अच्छे से, ये देखिए, ये जो मैंने यहां पर बनाया है, जो आप लोग नजर कर पा रहे हैं, दिस इज द, व्हाट इज दिस, यू टेल मी व्हाट इज दिस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नजर आ रही है आप सभी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? इसकी डायरेक्शन किस तरफ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, जरा बताएं मुझे। ठीक है, वेरी गुड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जरा बताना बच्चों, ये मैंने क्या रखा है, बताओ भैया क्या रखा है मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में? एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है। दिखाई दे रहा है आपको इलेक्ट्रिक डायपोल? ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर? यानी इट मींस An electric dipole is placed in the uniform electric field, which makes an angle theta from the direction of electric field. Got it? Seem clear? अच्छा, electric dipole में दो charges के बीच के distance को मैं 2L से show करता था, क्या मुझे याद है? बोलो भैया, अच्छी बात है, very good, आप महान हैं। अब हम ये जानते हैं कि electric field की direction ये है, तो positive charge पे force किधर की तरफ लगेगा, जरा बताएं मुझे। इधर की तरफ लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी ऐसे। और कितना फोर्स लगता था? तो आपने बोला था सर क्यू ही लगता है, राइट? क्यू ही फोर्स लगता है, सही बोल रहा हूं। अच्छा, माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स किस तरफ लगेगा, इशारे से बताएं मुझे। वेरी गुड, इस तरफ लगेगा, तो ये फोर्स भी क्यू ही हुआ, ये भी क्यू ही, ये भी क्यू ही। नेट फोर्स कितना हुआ भैया? नेट फोर्स कितना हुआ? जीरो हो गया। क्लियर? तो कोई पूछे कि जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है
तो उस पे नेट फोर्स कितना लगता है? तो आप बोलना भैया जीरो लगता है। कितना लगता है नेट फोर्स? जीरो, ठीक है। बट बोथ ऑफ दीज फोर्सेस फॉर्म्स अ कपल, ये दोनों फोर्सेस मिलके कपल बना रहे हैं, और ये कपल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या करने की कोशिश करेगा, इशारे से बताओ, घुमाने की कोशिश करेगा, है ना। दिस कपल विल ट्राई टू रोटेट द डाइपोल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, समझ में आ रही बात। और जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे घुमा रहा है तो इस पे क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, टॉर्क। तो वो पूछ रहा है कितना टॉर्क लग रहा है। तो भैया मैंने बचपन में ये पढ़ा था, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, जो मैंने बोला आपको पल्ले पड़ा भैया, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। टॉर्क को लेटर टाउ से डिनोट करते हैं, फोर्स तो इस पे भी क्यू ही लग रहा है, इस पे भी क्यू ही लग रहा है, तो दोनों में से कोई एक फोर्स हम लोग ले लेते हैं। तो फोर्स मैंने ले लिया क्यू ही इनटू, अब बॉस मुझे चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो मुझे दिख रहा हो एक फोर्स न्यो लग रहा हो जालंग, वो एक फोर्स जालंग लग रहा हो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए कहा करूं, मैंने सिखा हो तो हवाल जाए न्यो बढ़ाए के न्यो परपेंडिकुलर डाल दो, बोलो भैया है। तो देखो मैंने इसको थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ाया और यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, इधर देखिए ध्यान से, ये थोड़ा पीछे बढ़ाया और यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, क्या ये बात समझ में आई। तो बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जे वाली होगी या जे वाली होगी, पहले आप बताओ। हाँ तो जे वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी भैया, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो गौर से देखिए, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर मैंने बचपन में ये जाना था कि ये एंगल अगर थीटा होता है तो ये एंगल भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है, एग्री करते हैं आप लोग इस बात से। तो आप गौर से देखिए, ये लाइन एंगल, ये वाली लाइन यहां से एंगल थीटा बना रही है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, बोलो भैया एग्री करते हो आप लोग इस बात से कि नहीं करते, समझ में आई बात, ये एंगल थीटा। अब आप ही बता दो, मैंने तुम्हें हवाल बताई थी कि अगर जे 2l है और जे थीटा है तो जे कितने होगी, तो तुमने कही थी 2l cos थीटा होगी, और जे भाई मैंने पूछी थी तो तुमने कही 2l sin थीटा होगी, पूछी थी कि नहीं पूछी थी हवाल, बोलो भैया। तो आ जाओ इतने, जे पूरा 2l है और जे लाइन थीटा एंगल बना रही है, तो जे लाइन है तुम्हारी 2l cos थीटा और जे वाई लाइन तुम्हारी है 2l sin थीटा, क्या ये बात समझ में आई भैया, बोलो बोलो। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, जे वाली फोर्स और जे वाली फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुमने कि जे वारो है, तो जाकर मतलब जे 2l sin थीटा है वो कि नहीं है वो, बोलो भैया सही जा रहा हूं मैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस होगी हमारी 2l sin थीटा, बोलो भैया ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, क्लियर। अगर आप लोगों को ये स्टेप क्लियर है तो मैं अगले स्टेप की तरफ बढ़ता हूं। मैंने यारो बचपन में सुना है q into 2l, तो p होता है, क्योंकि मैंने पढ़ा है p बराबर होता है q into 2l। अब बताती है बचा e sin थीटा, तो tau बराबर ये आ गया हमारा, क्लियर ओके आ गया, हो गया खत्म कहानी, क्लियर। ही इज टेलिंग यू, लिसन एवरीवन, अभी खत्म ना भाओ, वो बोल रहा है आप क्वेश्चन को समझें, कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। वो बोल रहा है ड्राइव द रिलेशन फॉर द फोर्स, आएगा फोर्स ठीक है, आएगा टॉर्क, आएगा ना, क्वेश्चन उसका यही था, ड्राइव द रिलेशन फॉर द फोर्स एंड टॉर्क विच इज एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉट इट, क्वेश्चन समझ में आ गया। ही इज टेलिंग यू ड्राइव द रिलेशन फॉर द फोर्स एंड टॉर्क विच इज एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने फोर्स भी ये निकाल दिया, टॉर्क ये निकाल दिया, सीन क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ो और सुनिए। अब वो यो कह रहे हो हम होते कि जब फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म में, देखो वेक्टर फॉर्म में, वैसे तो ये यहां खत्म हो गया, वेक्टर फॉर्म में पूछे तो लिखना, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। तो भैया मैंने यहां बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा, क्लियर। तो हमारा बचपन 11th के नोट्स में है, समझ में आ रही है बात कमीनो, क्लियर, हवा लिखा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा होता है। तो जब मैं ए बी साइन थीटा को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकता हूं, तो पीई साइन थीटा को लिखा था ना अभी अपन ने थोड़ी देर पहले, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, और चूंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते थे, तो वेक्टर प्रोडक्ट बोलते थे, तो इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई करने से जो टॉर्क मुझे मिल रहा है वो अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो जाएगी चांद पैर लगाऊं कि नहीं लगाऊं, लगाऊं कि नहीं लगाऊं, लगा दूं, ठीक है वेरी गुड। तो ये मैंने इसे वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, कहानी समझ में आई।
कहानी समझ में आई कि नहीं आई, बोलो भैया। अच्छा, अब वो मुझसे ये भी पूछ रहा है, यहां तक हो गया। आगे वो मुझसे ये भी पूछ रहा है कि ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। तो भैया मुझे मालूम है टॉर्क मैक्सिमम तब ही होगा जब ये साइन थीटा मैक्सिमम हो। क्या ये बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? टॉर्क मैक्सिमम तभी होगा जब ये साइन थीटा मैक्सिमम हो। और साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? वन, वन होती है मैक्सिमम वैल्यू, वन। लेकिन कितने डिग्री पे होती है? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे, तो थीटा की जगह 90 चिपका रहा हूं। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 रखूंगा तो ये हो जाएगा बेटा हमारा टाउ बराबर पी साइन, थीटा की जगह मैंने 90 चिपका दिया। साइन 90 होता है 1, 1 का मल्टीप्लाई पी से करूंगा तो टाउ बराबर पी। खत्म कहानी, समझ में आई मेरी बात? क्लियर। तो ये टॉर्क जो आया है थीटा, जब मैंने 90 रख दिया तो यहां पर जो टॉर्क आएगा वो कैसा टॉर्क आएगा? मैक्सिमम टॉर्क आएगा। तो मैंने इसके सफिक्स में क्या लिख दिया, एक मिनट, मैक्सिमम, मैक्स माने ज्यादा, टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू पीई, साइन 90 तो वन ही होता है। कहानी समझ में आई भैया? बोलो, सीन क्लियर है? कहोगे को परेशानी? आगे बढ़ो। तो लिसन एवरीवन, ध्यान से सुनिएगा आप लोग सभी लोग, क्वेश्चन ये काफी लेंथी है, इसमें काफी सारी बातें पूछ ली गई है। मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। ही इज टेलिंग यू ड्राइव द रिलेशन फॉर द फोर्स एंड टॉर्क विच इज एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वेयर इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऑल्सो फाइंड दिस रिलेशन इन वैक्टर फॉर्म एंड वेन द टॉर्क विल बी मैक्सिमम। इतने आंसर हो गए हमारे तैयार। ठीक है, अब आगे वो ये भी बोल रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला ऑफ टॉर्क डिफाइन डाइपोल मूवमेंट। क्या बोल रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला ऑफ टॉर्क डिफाइन डाइपोल मूवमेंट। ध्यान से सुनिएगा, टॉर्क का मेन रिलेशन यहां पर जो लर्न करने वाला है वो ये है, टाउ बराबर पी साइन थीटा। तो वो कह रहा है ये जो फॉर्मूले का बेसिस है, इस फॉर्मूले के बेसिस पे टाउ बराबर पी साइन थीटा के आधार पर डायपोल मूवमेंट की परिभाषा बताओ, पूछ रहा है वो। क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला ऑफ टॉर्क डिफाइन डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट यानी जब पी की डेफिनेशन पूछ रहे हो तुम, थे डायपोल मूवमेंट को पी से डिनोट करते हैं ना, परसों नरसों अपन ने पढ़ा था, और मैंने तो परसों नरसों डेफिनेशन याद करी थी। डायपोल मूवमेंट की डेफिनेशन इस फॉर्मूले के आधार पर अपन ने याद की थी, याद है? डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज प्रेजेंट इन द डायपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जे वाई अगर तुम यहां लिखे आए तो काट देगो, क्योंकि माने जो पूछी है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला ऑफ टॉर्क डिफाइन डायपोल मूवमेंट। समझ में आ रही है बात? यानी हमें डायपोल मूवमेंट की जो डेफिनेशन देनी है वो इस फॉर्मूले के आधार पर देनी है, ये वाली नहीं चलेगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी? बोलो भैया, आ रही है? तो चलो इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। पी की डेफिनेशन बनानी, किसी भी डेफिनेशन को बनाने के लिए अक्सर हम चीजों को वन 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 मान लिया करते हैं, मान लिया करते नहीं, मान लिया करते, मान लिया करते, मान लिया करते नहीं, मान लिया करते। चलो आ जाओ देखते हैं। तो E बराबर मैंने यहां पर रख दिया वन, वन न्यूटन पर कूलम। E बराबर वन, यही फिगर दोबारा बना रहा हूं, इधर देखिएगा। ये मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, इसकी इंटेंसिटी कितनी है? वन न्यूटन पर कूलम। समझ में आ रही है बात? यानी मैंने यहां पर क्या ले लिया है बेटा, ये यूनिट, यूनिट का मतलब वन होता है, तो यूनिट इंटेंसिटी का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोलो भैया, क्या है ये? यूनिट इंटेंसिटी का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, E को तो हमने 1 बना दिया, इसको 1 बनाना है तो थीटा की जगह 90 डिग्री रख दूंगा, थीटा की जगह 90 डिग्री रख दूंगा, तो ये भी साइन 90 1 हो जाएगा। बोलो भैया, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये दोनों वैल्यू इसमें चिपका रहा हूं, हमें मालूम है थीटा 90 रखते हैं तो टाऊ मैक्सिमम हो जाता है, तो ये हो जाएगा टाऊ मैक्सिमम बराबर पी इंटू ई की जगह 1, थीटा 90 रख दूंगा तो साइन 90 भी 1, तो टाउ मैक्सिमम बराबर हमारा कितना आया भैया? पी आ गया, पी का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पी तो आएगा। दिखाई दे रहा है आपको ये जो मैंने लास्ट लाइन लिखी है, कट तो नहीं रहे? सीन क्लियर है यहां तक? बात समझ में आ रही है सभी को? कोई दिक्कत? अब इधर देखिएगा ध्यान से, यहां पर हम फोकस करते हैं। ई बराबर 1 न्यूटन पर कूलम, ई बराबर 1 न्यूटन पर कूलम, थीटा बराबर 90 डिग्री जाको, मतलब का है ये देखो, ये इलेक्ट्रिक डायपोल यहां पर थीटा डिग्री के एंगल पर रखा है, मैंने थीटा 90 बना हुआ है तो जाकर मतलब डायपोल ऐसा धरा हो। बोलो भैया, ये आ गया 90 डिग्री के एंगल पर, सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? यानी मैंने इस इलेक्ट्रिक डायपोल को
यूनिट इंटेंसिटी के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा हुआ है, या तो ऐसे बोल दो, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, मैंने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिट इंटेंसिटी के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री के एंगल पर रखा है। परपेंडिकुलर या 90 डिग्री एक ही बात होती है, क्या मैं उम्मीद करूं आप लोग समझ गए? क्लियर? अच्छा, जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसे रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस पर क्या लगता है? टॉर्क लगता है, जिसकी वजह से यह घूमने लगता है, और जितना मैक्सिमम टॉर्क इस पर लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं डायपोल मूवमेंट। मैं इसकी डेफिनेशन बोलने जा रहा हूं, 3 से 4 बार बोलूंगा, ध्यान से सुन लेना, ठीक है? क्लियर? तैयार है हम लोग? व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट इंटेंसिटी, क्लियर? जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिट इंटेंसिटी के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है, समझ में आ रही है बात? क्लियर? जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिट इंटेंसिटी के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है, तब उस पर जितना मैक्सिमम टॉर्क लगता है दैट इज कॉल्ड डायपोल मूवमेंट। क्लियर? या यू कैन से डायपोल मूवमेंट, क्लियर? द डायपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज इक्वल टू द मैक्सिमम टॉर्क विच इज एक्टिंग ऑन द डायपोल when it is placed in an uniform electric field of intensity 1 newton per coulomb at an angle of 90 degree। कहानी समझ में आ रही है? जरूरी ना ने ठेका ना ने एक ही सांस में बोल दूं, क्लियर? छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए, ऐसे बोलता हूं मैं, आप लोगों के अंदाज में बोलता हूं, ठीक है? बीइंग बिगिनर आप लोग इसे कैसे बोलेंगे ध्यान से सुने। जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिट इंटेंसिटी के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है, तो उस पर जितना मैक्सिमम टॉर्क लगता है दैट इज कॉल्ड डायपोल मूवमेंट। क्लियर? व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 1 न्यूटन पर कूलम एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, देन द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इज कॉल्ड डायपोल मूवमेंट। नहीं है मेरी बात समझ, बात समझ में आ रही है? तो डेफिनेशन अगर किसी ने पूछ लिया तो चिपका दोगे? बोलो भैया, फिर से बोल रहा हूं एक बार। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 1 न्यूटन पर कूलम एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, देन द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इज कॉल्ड डायपोल मूवमेंट। समझ में आ रही बात? चाहे जैसे बोल दो, क्लियर? ओके? या एक और बनाता हूं, सुनो। जैसे कोई एक बिगिनर स्टूडेंट कैसे बनाएगा? When we take an electric dipole and it is placed in an uniform electric field, the intensity of electric field is 1 newton per coulomb and this dipole is placed at an angle of 90 degree, then the maximum torque acting on it is called dipole moment। समझ में आई बात? बोलो भैया, सीन क्लियर है? तो चाहे जैसे बोल दो, बात एक ही है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों का ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को बोलता हूं, वो क्या कह रहा है ध्यान से सुनो। अब आपको अगर ये समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन समझ जाएंगे। वो बोल रहा है ड्राइव द रिलेशन फॉर द फोर्स एंड टॉर्क विच इज एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल वेयर इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल्सो फाइंड दिस फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म व्हेन दिस टॉर्क विल बी मैक्सिमम एंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला ऑफ टॉर्क डिफाइन डायपोल मूवमेंट। सीन क्लियर है? चलो एक बार पढ़ लो, टेक योर टाइम। इसके साथ इसके बाद हम लोगों के सामने जो न्यूमेरिकल हमको नजर आ रहा है उसमें बोल रहे हैं दो चार्जेस हैं, प्लस 4E एंड माइनस 4E। ये मैंने बढ़िया चक फर्स्ट क्लास दो चार्जेस रखे हैं यहां पर, एक प्लस का 4E बोल रहा है और एक माइनस 4E बोल रहा है, और कह रहा है ये दोनों चार्जेस जो है दे आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1.2 एंगस्ट्रॉम। ये जो चार्जेस है वो 1.2 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। सुंदर बात है, रखे हुए हैं। तो आगे बोल रहा है दिस डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 4×10⁵ N/C। 4×10⁵ N/C, अच्छी बात है, धरे है तो कहां कर दें। क्लियर? कैलकुलेट नंबर 1 डायपोल मूवमेंट, अच्छी बात है। नंबर 2 मैक्सिमम टॉर्क पूछ रहा है, मैक्सिमम। ये दो चीजें हमसे वो जानना चाहता है। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन समझ लो पहले।
वो कह रहा है दो चार्जेस हैं, प्लस फोर ई माइनस फोर ई. आप गौर से देखिए, चार्ज इक्वल है, चार्ज की वैल्यू कितनी है, फोर ई, राइट. और एक प्लस का एक माइनस का है. तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक डायपोल है. बोलो भैया. और इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 1.2 एंगस्ट्रॉम दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं 2L की वैल्यू दे रहा है भैया, 1.2 एंगस्ट्रॉम. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है भैया, पहले तो ये बताओ. ठीक, तो 1.2 एंगस्ट्रॉम में बचपन में जानता हूं, डेसी सेंटी मिली माइक्रो मैंने दो तीन दिन पहले पढ़े हैं. क्लियर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10^-10 मीटर होता है. दिमाग खराब नहीं करना, सब सिखा चुका हूं पहले ही. क्लियर, सुधार आ रहा होगा आप में धीरे धीरे अब. ठीक है, पता ना मैं आने लगे सुधार आ रहा होगा ना यार. क्यू है 4E, तो 4E. चैप्टर वन जिस दिन शुरू किया था मैंने, फंडामेंटल चार्ज बताया था, इन नेचर द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्जेस कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज. क्लियर, और ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के बराबर होता है. इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी मैंने आपको बताया था 1.6 × 10^-19 कूलम. कहा गलत करता हूं मैंने लाला रे, कुछ गलत करता हूं मैंने, बोलो. तो मुझसे कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, मैंने इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है 4 × 10^5 मीटर पर कूलम. तो डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए कह रहा हूं पट्टा होती, तो कर लो डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट. तो समझते, पहला फॉर्मूला मैंने डायपोल मूवमेंट का जो पढ़ा लो, तो पढ़ो तो पी बराबर क्यू इंटू टू एल. बोलो भैया पढ़ो कि नहीं पढ़ो, क्यू की वैल्यू जो आ गई है 4 × 1.6 × 10^-19 इंटू टू एल कितने अपने पास 1.2 × 10^-10. बोलो भैया बात समझ में आ रही है सभी को, सीन क्लियर है. तो इसको जब आप बेटा सॉल्व करेंगे तो डायपोल मूवमेंट का आपका जो आंसर आ जाएगा दैट इज 7.68 × 10^-29 कूलम मीटर. ये डायपोल मूवमेंट का आंसर आ जाएगा. मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना. ये अगला कह रहा है मैक्सिमम टॉर्क. तो मैक्सिमम टॉर्क अपन ने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, 90 डिग्री पे होता था, टाउ मैक्सिमम बराबर पी. बोलो भैया पी की वैल्यू हमें आई गई है 7.68 × 10^-29 इंटू ई. ई की वैल्यू जो रही है अपने पास 4 × 10^5. ये आ गया अपना मैक्सिमम टॉर्क. इस पूरी कथा को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट इज 3.072 × 10^-23 न्यूटन मीटर. क्लियर है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे. फटाफट इसे नोट डाउन कर लो फुर्ती में. क्लियर है ना, समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया, उतार लो फटाफट फुर्ती में. हो गया बेटा सभी का, हटू. कुछ लोगों के हैंड रेज्ड हैं, कोई इश्यू है? ओ सॉरी, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, सुनाई दे गया. कोई इश्यू है आप लोगों का? ऐसा हैंड रेज्ड है कुछ लोगों के. इशू नहीं हो तो हाथ नीचे कर लो, इशू हो तो बोलो. किसका इशू है? हाँ बोलो बोलो रागिनी, क्या इशू है? इस क्वेश्चन में से नहीं है इशू. चलो ठीक है, उतार तो लिया ना ये सभी ने उतार लिया बेटा इसको. सबका हो गया, सबने नोट डाउन कर लिया. ठीक है,
तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, हम लोग कल फिर मिलते हैं. थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू. जय हिंद.